बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, आज का हमारा एक नया सेशन है वफाकी महोत्सव के हवाले से, और हम रेगुलर ये सेशन को लेके चलेंगे। आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, सो इस हवाले से प्रायोरिटी होगी हमारी इस कोर्स को जल्दी से वाइंड अप करना, और इन लेक्चर्स के साथ साथ हम आप लोगों के कोर्सेज में नोट्स टाइप और इम्पॉर्टेंट हर टॉपिक के रेलिवेंट एमसीक्यूज भी अवेलेबल करेंगे, जो आप ऑनलाइन ही एक्सेस करेंगे अपने कोर्स में जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, और ताकि आप अपनी टाइमली तैयारी कर सकें। सो इस हवाले से ये हमारा कोर्स www.harvardacademy.com इस पर अवेलेबल होगा। मजीद इस हवाले से ज्वाइन करने के हवाले से कोई आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ पे मैंशन नंबर पर। चलें तो आज का हमारा सेशन है फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013 का जो एक रिफॉर्म्स एक्ट है वो लाया गया। इससे पहले प्रेसिडेंट ऑर्डर था नंबर 1983 का, उसको भी हम कवर करेंगे, और वो बैकग्राउंड इसका आपको देता है फेडरल ओम्बड्समैन का। लेकिन इस एक्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक पेज पे रिव्यू करेंगे वफाकी महोत्सव का बेसिकली पर्पस क्या है और इसका मैंडेट क्या है और किस मकसद के लिए ये बनाया गया है, ताकि जितनी भी आगे चल के हम एक्ट की बातें करें तो आपको सही तरीके से समझ आ सके। पहले हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। एक पेज पे है ये वफाकी महोत्सव, इसको फेडरल ओम्बड्समैन भी कहते हैं। फेडरल ओम्बड्स पर्सन सेक्रेटरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट है, ये इसका एब्रीवेशन है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। FOSPAH यानी कि फेडरल ओम्बड्समैन सेक्रेटरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, FOSPAH, ये आपने इसकी एब्रीवेशन को भी याद रख लेना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इज ऑपरेटिंग एज ऑटोनोमस क्वासी जुडिशियल स्टेचुटरी बॉडी, इसका मतलब ये कि ये चल रहा है, ये खुद मुख्तार इदारा है और एक अदालती निजाम की जगह फ्राहम करता है। स्टेचुटरी बॉडी है यानी कि कानूनी शक्ल में इसको कानूनी हैसियत हासिल है। अंडर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, ये एक वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए वर्क प्लेस एक्ट 2010 है जो हरासमेंट से बचाता है, जो फीमेल या उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते, इक्वलिटी में इशू आता है, उनको बराबर में ट्रीट नहीं किया जाता या उनको किसी तरीके से मिसयूज करने के लिए या उनको हरास करने के लिए, अपना मकसद कोई भी किसी तरह से पूरा करने के लिए उनको अगर डराया धमकाया जाए या किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाए, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट है। और 2010 एक्ट है, एक्ट ऑफ 2010 विद द प्राइमरी मैंडेट, इसका मकसद बेसिकली क्या था, इसका बुनियादी मकसद क्या है, सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल्स यानी कि खवातीन को बचाना, महफूज करना अगेंस्ट वर्क प्लेस हरासमेंट यानी कि ऑफिस के अंदर जो हरास किया जाता है। नोटेबली FOSPAH यानी कि फेडरल ओम्बड्समैन सेक्रेटरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट हैज बीन इंटरेस्टेड यानी इसको सौंपा गया है क्या काम, विद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ और भी जिम्मेदारियां थ्रू दी एनफोर्समेंट ऑफ एक्टमेंट, यानी कि इसको एक और एक्ट है जिसका नाम है एनफोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020। पहले तो था हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, उसके मुताबिक इसको इस्टेब्लिश किया गया यानी कि उसको एक स्टेचुटरी माना गया, इसको एक बैक है, गवर्नमेंट की रिकग्निशन है, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दी हुई है। इसके अलावा एक एडिशनल इसको जिम्मेदारी की गई दी गई जो एक एक्ट है वो मेन का प्रॉपर्टी राइट्स का एक्ट, उसको महफूज करने के लिए एम्पावरिंग इट टू एडजुडिकेट केसेस पर्टेनिंग टू वुमेन्स लीगल राइट्स इन प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, यानी कि औरतों के जो हकूक है प्रॉपर्टी के रेलिवेंट जो इस्लामाबाद के कैपिटल टेरिटरी में मौजूद खवातीन है या उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो वहां के मामला भी इसको सौंपे गएंगे। इसके अलावा FOSPAH अनवेवरिंग कमिटमेंट यानी कि जो इसकी हरासमेंट के लिए जो प्रोटेक्शन का एक जिम्मेदारी दी गई है टू हरासमेंट फ्री वर्क प्लेस रिवॉल्व अराउंड कल्टिवेटिंग अ सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट, इसका मकसद क्या है कि जो ऑफिस के अंदर खवातीन के लिए एक सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट मुहैया करना, डिवॉइड ऑफ एब्यूज यानी जहां पे
कोई गलत इस्तेमाल उनको ना किया जाए, वायलेंस उन पे ना की जाए, इंटिमिडेशन यानी कि उनको किसी बुराई की तरफ मायल ना किया जाए, या फिर उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, यानी जो हकूक मेल वर्कर्स को हासिल हैं वो फीमेल को भी होने चाहिए, बराबरी की सतह पर उनको जो है वो राइट्स मिलने चाहिए। अगर कहीं किसी को बराबर की सतह पर ट्रीट नहीं किया जाता तो उसको जो है वो कंप्लेन कर सकता है फेडरल ओम्बड्समैन में, और यहाँ पे आप को जो है इंसाफ के लिए जो जितनी भी तरजीहत है वो पूरी की जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमारे एक्ट की बुनियाद शुरू होती है। इसको यहाँ पे सैनेट सेक्रेटरीट से ये इसकी जो अप्रूवल होने के बाद नोटिफाई किया गया इस्लामाबाद, 20 मार्च 2013 का ये नोटिफिकेशन है, नंबर F910, ये लेटर का नंबर है, /2013 लेजिस। The following act of Majlis e Shura यानी Parliament received the assent यानी कि इसको मंजूरी दे दी गई of the President, President की, कब? On 20th March 2013 यानी कि 2013 मार्च 20 को, यानी 20 मार्च 2013 को इसकी सदारती जो है इसकी अप्रूवल हुई, इसको कंसेंट मिली, इज हेयर बाय पब्लिश बाय जनरल इंफॉर्मेशन यानी कि लोगों की इजलाह के लिए इसको फिर जो है गजट में पब्लिश किया गया। सो ये एक्ट नंबर 14 ऑफ 2013 है, यानी कि जो एक्ट होते हैं यानी कि अगर एक नया साल शुरू होता है तो उसमें पार्लियामेंट जितने भी यानी कि कौमी असेंबली एक्ट पास करती है तो पहला जो एक्ट पास करेगी उसका नंबर 1 होगा उस साल का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये चौदहवें नंबर पे आता था एक्ट ऑफ 2013 कौमी असेंबली से जो अप्रूव किया गया था। सो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी पार्लियामेंट ने एसेंट दी थी और सदर ने इसकी एसेंट दी थी जो यानी कि पार्लियामेंट से पास होने के बाद सदारती जो मंजूरी दी गई वो 20 मार्च 2013 को दी गई, तो ये याद रखना है। और ये एक्ट नंबर 14 2013 का है, ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड के हवाले से, एन एक्ट ये जो कानून बनाया गया है टू मेक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि इस इदारे के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं फॉर स्टैंडर्डाइजिंग एंड हार्मोनाइजिंग द लॉज, ताकि जो स्टैंडर्डाइज और हार्मोनिक यानी कि एक हम आहंग कानून बनाए जाएं रिलेटिंग टू फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन, जो वफाकी मुतसिब का इदारा है इसके अंदर, एंड द मैटर एंसिलरी और अकिन देयर टू, और जो इसके साथ जुड़े हुए मसाइल हैं या मामलात हैं जो इसको जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके अंदर एक स्टैंडर्ड पैटर्न सेट करना और एक हम आहंगी पैदा करना, इस हवाले से ये रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया। दूसरे नंबर पे इस पे बात की जाती, वेयर इज इट इज एक्सपीडिएंट, क्योंकि ये जरूरी था टू मेक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर स्टैंडर्डाइजिंग एंड हार्मोनाइजिंग द लॉज रिलेटिंग टू इंस्टीट्यूशन ऑफ द फेडरल ओम्बड्समैन एंड द मैटर्स एंड सिंगली और अकेन देयर टू, यानी कि जो ये जरूरी भी था, ये जो जल्दी में किया गया है ये बहुत जरूरी भी था, जरूरी हो गया था कि इन मामलात को एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे लाया जाए और पूरे मामलात जो फेडरल ओम्बड्समैन के हैं एज ए इंस्टीट्यूशन उनको या इसके साथ जुड़े हुए जो मामलात हैं उनको एक हार्मोनाइज तरीके से हम अहम लाया जाए। एंड वेयर इज इट इज एक्सपीडियंट टू इनहेंस इफेक्टिवनेस, और इसका साथ में ये भी मकसद था कि जो इसका असर रसूख है उसको बढ़ाया जाए, ऑफ द फेडरल ओम्बड्समैन टू प्रोवाइड स्पीडी एंड एक्सपीडियशियस रिलीफ, ताकि जो तेजी के साथ और जल्दी के साथ जो शहरी हैं उनको रिलीफ दिया जाए जो उनके पास मामलात आते हैं, बाई रीड्रेसिंग दियर ग्रीवेंसेज, यानी जो शहरियों के मसाइल हैं, जो उनके गम है, जो उनकी मुश्किलात हैं जो लेके आते हैं फेडरल ओम्बड्समैन में, उनको जल्दी से इंसाफ मिले, टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, और इससे क्या है गुड गवर्नेंस के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी जिम्मेदारियां तेजी से अच्छी गवर्नेंस के जरिए से परफॉर्म कर सकेगी। एंड वेयर इज इट इज नेसेसरी दैट इन ऑर्डर टू एनेबल द फेडरल ओम्बड्समैन टू परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली, और साथ में ये भी था कि फेडरल ओम्बड्समैन को एम्पावर किया जाए कि वो भी अपने मामलात को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें, दे शुड इंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, और इस एक्ट के जरिए से उनको जो जरूरी चलाने के उमूर हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और जो माली उमूर हैं उन पर खुद मुख्तारी दी जाए। नाउ देयरफॉर इट इज हियर बाय एनेक्टेड एज फॉलो, तो इस तरह से इस कानून को पास कर दिया गया है, अमल दरामद इस पर शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से सेक्शन 1 कहता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013, इसका नाम क्या है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में लागू होगा। इट शैल, तीसरे नंबर पर,
इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द पाकिस्तान. ये दो बातें होगी. पहले नंबर पे क्या बात है कि इसका नाम होगा फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013 और ये पूरे पाकिस्तान पर लागू होगा. इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान. यहां से आप सबको पूछता है कि वफाक पर लागू है, सूबों पर लागू है या नहीं है, तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पर यह लागू है. इसका नाम है फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013, जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं. इट शैल कम इन टू फोर्स, कब ये लागू होगा. इट शैल कम इन टू फोर्स यानी कि 20 मार्च 2010 को ये पास हुआ था, नहीं 2013 को, 20 मार्च 2013 को अगर ये पास हुआ था तो ये फौरन से अप्लाई हो जाएगा, फौरन से ये लागू हो जाएगा. सेकंड नंबर पे जो सेक्शन है इसका, वो डेफिनेशंस के साथ डील करता है. इन दिस एक्ट यानी जिस एक्ट को हम लेके चल रहे हैं, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, जब तक किसी चीज में कोई बहुत बड़ा फर्क ना आ जाए या मानी में कोई तब्दीली ना आ जाए. इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, तो इससे मुराद जो यहां पे होगा सबसे पहले एजेंसी, एजेंसी एजेंट से मुराद है, यानी कि एक एजेंट के तौर पर जो काम कर रहा था उसको हम एजेंट कहते हैं, और एक पूरा जो इदारा एज ए एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी कि ये गवर्नमेंट का एक एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है. गवर्नमेंट चाहती है कि वर्क प्लेस जो है वो सेफ एंड सिक्योर है फॉर वुमेन, कोई हरासमेंट ना हो, तो इस इदारे को बनाया गया कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों को पूरा करे. सो इसको एक हम एजेंसी का रोल अदा करने के लिए एक मिडल मैन का कह सकते हैं, यानी कि ये जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के लिए फेडरल ओम्बड्समैन को जिम्मेदारियां दी गई, जो कि एज ए एजेंट काम करेगा, ये एज ए एजेंसी काम करेगा. इससे मुराद क्या है, means the agency defined in the relevant legislation and relation to the establishment of the office of Wafaqi Mohtasib Ombudsman Order 1983, President Order number 1 of 1983, यानी कि जो President Order number 1 of 1983 है उसके मुताबिक जो इसको define किया गया है Wafaqi Mohtasib को, तो उससे मुराद agency है. Shall include an agency, इसमें शामिल है कि agency के तौर पे काम करेगा, in which the federal government has any share, यानी कि government की जो भी जिम्मेदारियां होती हैं करने के लिए उसमें ये जो रोल अदा करेगा, और which has been licensed और registered by the federal government, यानी कि जो federal government ने उसको registered किया and notified by the federal government in the official gazette, और official gazette में इसको publish किया है, as agent के तौर पे काम करेगा, और एक अथराइज्ड इदारा यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको जो है वो पावर्स दी गई हैं. इसके बाद है ओम्बड्समैन से मुराद क्या है. ओम्बड्समैन एक नया वर्ड है बेसिकली आपके लिए, अगर आप इस पे गौर करें. ओम्बड्समैन मींस एन ओम्बड्समैन अपॉइंटेड अंडर द रेलेवेंट लेजिस्लेशन एंड इंक्लूड्स द ओम्बड्समैन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21, यानी कि जो एक ऐसा इदारा जिसको अपॉइंट किया गया हो किसी कानून साजी के जवाब में, तो ये जो ओम्बड्समैन है इसको अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 21. आगे चल के हम सेक्शन 21 को भी पढ़ेंगे, तो इस सेक्शन, इस ओम्बड्समैन को अंडर सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट बनाया गया. अच्छा, इसके मुतालिक जितनी भी लेजिस्लेशन होगी, कानून साजी होगी, तो इससे से मुराद है रेलिवेंट लेजिस्लेशन. इसके मुतालिक कानून साजी, कानून साजी किसी भी मामले के मुतालिक, किसी भी मामले के मुतालिक मुराद क्या क्या चीजें हो सकती है जिनके रेलिवेंट लेजिस्लेशन हो सकती है. मींस द ऑफिस ऑफ वफाकी मोहतसिब ओम्बड्समैन ऑर्डर 1983, प्रेसिडेंट ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 1983, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन. तो इसके मुतालिक कौन कौन से बनाए गए हैं इदारे, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन ऑर्डिनेंस 2000, यानी कि फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन ऑर्डिनेंस 2000, यानी कि फेडरल का जो ओम्बड्समैन ऑर्डिनेंस बनाया गया 2000 के मुताबिक, जो कि 35 ऑफ 2000 ऑर्डर नंबर था. द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000, जो कि ऑर्डर नंबर 39 था 2000 का. द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, जो कि बनता है 152 तकरीबन 152 बनता है ऑफ 1962, एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस एक्ट 2010. तो ये जितने भी कानून बनाए गए हैं ये फेडरल ओम्बड्समैन के रेलिवेंट लेजिस्लेशन बना के, ताकि इसके दायरा कार को मजीद एक्सटेंड किया जाए अबाउट टैक्सेशन, अबाउट इंश्योरेंस, अबाउट कंपनीज ऑर्डिनेंस, इसके अलावा वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से, तो ये रेलिवेंट लेजिस्लेशन की गई है. सो ये था आज का हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड, भी हमने फेडरल ओम्बड्समैन का देखा, डेफिनेशंस के सेशन को भी हमने कवर किया, और इसकी बेसिकली किस सूरत हाल में बनाया गया, किस मकसद के लिए बनाया गया, वो सारी चीजें कवर करने के बाद आज के इस सेशन को अगर आपने समझ लिया है, तो अब आपका एक टेस्ट है छोटा सा. आपने 10
क्वेश्चंस का आंसर करना है कि आपने कितनी इफेक्टिव तरीके से चीजों को समझा है। और इसी तरीके से हम अपने कोर्स को लेकर चलेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि एक डेमो लेक्चर है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग और किस तरीके से हमने कोर्स को कवर करना है वो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द एक्ट पास्ड ऑन 20th March 2013। ऑप्शन ए द फेडरल ओम्बड्समैन रिफॉर्म्स एक्ट 2013। ऑप्शन बी द फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013। ऑप्शन सी द फेडरल ओम्बड्समैन एंड सिटीजन ग्रीवेंसेज एक्ट 2013। ऑप्शन डी द फेडरल ओम्बड्समैन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एक्ट 2013। इस तरह से हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और क्वेश्चन पे गौर कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। जब आपको कंफर्म हो जाए तो आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर है बी, द फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, टू विच एरियाज डज द फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013 अप्लाई। ऑप्शन ए इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, बी ओनली फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑप्शन सी द होल ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन डी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। राइट ऑप्शन इज सी द होल ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013। ऑप्शन ए टू प्रमोट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर फेडरल ओम्बड्समैन, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड स्लो एंड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस, ऑप्शन सी टू स्टैंडर्डाइज एंड हार्मोनाइज लॉज रिलेटिंग टू फेडरल ओम्बड्समैन, ऑप्शन डी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ओम्बड्समैन ऑफिसेस। राइट ऑप्शन इज सी टू स्टैंडर्डाइज एंड हार्मोनाइज लॉज रिलेटिंग टू फेडरल ओम्बड्समैन। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाई इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट फॉर द फेडरल ओम्बड्समैन। ऑप्शन ए to increase the number of ombudsmen in various regions, option b to promote good governance and enhance efficiency, option c to allow ombudsmen to take political decisions, option d to help ombudsmen report directly to the president, sorry parliament. Right option is b to promote good governance and enhance efficiency. Question number 5, under the act what is meant by the term agency? Option a only federal government departments, option b any institution licensed, registered or in which the federal government has a share, option c any private organization in Pakistan, option d provincial government agencies. Right option is b any institution licensed, registered or in which the federal government has a share, yani ke koi bhi aisa idara जिसको गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है, या जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है, या गवर्नमेंट उसको लेके चल रही है किसी कानून के मुताबिक, तो उसको हम कहेंगे एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड अंडर द रेलिवेंट लेजिस्लेशन इन द एक्ट। ऑप्शन ए द ऑफिस ऑफ वफाकी मौसद ओम्बड्समैन ऑर्डर 1983, ऑप्शन बी The Protection Against Harassment of Women at Workplace Act 2010, option C the Pakistan Penal Code 1860, the Banking Companies Ordinance 1962. तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसको हमने शामिल नहीं, relevant legislation में नहीं पढ़ा था? तो एक ऐसा है जो आपने sort out करना है। Right option is the Pakistan Penal Code 1860. Question number 7, what does the act aim to provide to citizens? Option A speedy and expeditious relief by reducing grievances, redressing grievances, option B financial aid in times of distress, option C opportunities for employment within government agencies, option D a platform to challenge tax laws. Right option is A, speedy and expeditious relief by redressing grievances. Question number 8, when does the Federal Ombudsman Institutional Reforms Act 2013
come into force. Options: A, on a date appointed by the federal government. Option B, upon notification in the official gazette. Option C, immediately. Option D, 6 months after its publication. Right option is immediately. Next question, number 9. What is the significance of the term ombudsman in the act? Option A, a person appointed to manage a governmental agency. Option B, a judge appointed by the president of Pakistan. Option C, an official appointed to redress citizen grievances. Option D, a member of parliament overseeing civil complaints. So इसमें से राइट ऑप्शन आपने चूज करना है. राइट ऑप्शन इज सी, एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू रिड्रेस सिटीजन ग्रीवेंसेस, उसको हम ओम्बड्समैन कहेंगे. तो ओम्बड्समैन की डेफिनेशन आपको ये मिल जाती है, एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू रिड्रेस सिटीजन ग्रीवेंसेस. क्वेश्चन नंबर 10, विच पीस ऑफ लेजिस्लेशन कंसर्निंग वर्क प्लेस प्रोटेक्शन इज इंक्लूडेड इन द एक्ट्स रेलेवेंट लेजिस्लेशन. ऑप्शन ए, द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000. Option B, the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2010. Option C, the Federal Tax Ombudsman Ordinance 2000. Option D, the Establishment of Federal Courts Act 1962. Right option is B, the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2010. So, आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. आप हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप हमारे कंप्लीट लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, ताकि आप अपनी इन टाइम प्रिपरेशन कर सकें. खुदा हाफिज़.